मुसलमान बोल रहे हैं ना, मुसलमान बोल रहे हैं कि उनके साथ भी हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं, तुम भागे क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं भागे? आज तुम वहीं पे रुक के बोलते हो कि हमको चाहिए आजादी। किससे आजादी चाहिए तुमको? अरे सेना के जवान, आप तो जानते हो, आप तो मीडिया के हो, सेना के जवान किस हालात में रहते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता कब उनको गोली पड़ जाएगी, और वहां पे ये कुत्ते उनको पत्थर मारते हैं। आज इन्होंने उन मुसलमानों को जो सच में अपने दिल में हिंदुस्तान, जैसे मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये मेरे भाई हैं, इन मुसलमानों को भी उसकी राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई इनकी तरफ अच्छी नजर से अच्छे नजरिए से नहीं देखता है। कैसी लगी? मेरे पास शब्द तो नहीं है कैसी लगी और कैसी लगी। खाली मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस देश में तुम पैदा हुए, जिस देश में तुम पैदा हुए हो, और अगर उस देश के तुम भक्त नहीं, तो न माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं, उनमें रक्त नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों, लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको चीर डालना, बीच से नर्स थी, नर्स के साथ रेप हुआ, उनको आरे से पूरी तरह चीर दिया गया। आप एक बार सोचो कि वहां पे आपकी बहू बेटी या बहन है, आपको कैसा लगेगा? कांप रहे हैं आप लगातार, बात नहीं कर पा रहे। आपको कैसा लगेगा? आज मुझे संघ की भाषा, आज मुझे भाजपा की भाषा समझ में आती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, तुम होते कौन हो? आज भी छोटा छोटा बच्चा जिसको सिखाया जाता है, छोटा बच्चा पैदा होता है उसके मन में आप जहर भर दोगे, वो यहाँ जहर लेके घूम रहा है। वो कहता है यूं पैर पटक पटक के, हमको चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी चाहिए तुमको? हमारे खुद के सैनिकों को मारा जाता है, पत्थर मारते, ईंटें मारते, कुचल देते हैं, कहते हैं जाओ, कहते हैं इनको किस चीज से आजादी चाहिए, किस चीज से आजादी चाहिए? क्या तुम्हें आजादी दे दें पूरे हिंदुस्तान में कि हमारी बहू बेटियों का रेप करो, हमारी बहू बेटियों का रेप करके काटो? किस चीज से आजादी चाहिए तुमको? किस चीज से आजादी दें इन कुत्तों, इन गवारों को? किस चीज से आजादी दें? आप आजादी मानते तो किसको मानते हो ये बताइए पहले आप। मैं आजादी का अर्थ पूछता हूं, आजादी क्या होती है? एक बहू बेटी का रेप करके उसे आरे से चीर देना, मार देना, ये आजादी है आपके लिए? आज ये मूवी देखने के बाद, और इस मूवी देखने के पहले भी मेरे को ये थोड़ा अंदेशा था, कांग्रेस सरकार दो कौड़ी की सरकार, एक कुत्ते की सरकार है। ये मैं मुंह पे बोलता हूं, मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये साले क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो फारूक साहब बोल रहे हैं कि अगर आप लोग मेरी गलती को मानते हैं मैं तो मुझे फांसी मीडिया पे गालियां नहीं दे सकता हूं, वरना कसम से ये मेरे फारूक सामने आ जाता ना, कुत्ते की तरह मारता है यही पीट पीट के इसको, कुत्ते की तरह मारता घसीट घसीट के। क्या फारूक की बहू बेटी के साथ ये होता तो वो बोलता ही? क्या फारूक शेख के साथ लड़की के साथ ये होता है बोलता है यहाँ पे कि उसकी लड़की के साथ इतना गलत हुआ है? क्या वो बोलता या वो बोल पाता? आप मुझे खाली इतना बताओ, क्या वो ये बोलता? साला नेहरू चाचा बना हुआ था।